जय हिंद। इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में ए टू जेड समझेंगे कि ये ऊपर वाला एक्सपेंशन टैंक क्या होता है, ये मेन टैंक क्या होते हैं, ये रेडिएटर क्या होते हैं, सब बुशिंग क्या होती है, अंदर का कोर नरम लोहा का होना चाहिए या सिलिकॉन स्टील का होना चाहिए, वाइंडिंग डबल होनी चाहिए या सिंगल होनी चाहिए, ईडी करंट क्या होती है, इसमें लोहा हानि, ऊष्मा हानि, कॉपर हानि यानी लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। ट्रांसफार्मर के ये मेन पार्ट्स होते हैं, आप इनको समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन टैंक की। मेन टैंक जो होता है एक खाली होता है, एक पूरा ऊपर से इसमें खाली होता है, इसी के अंदर ट्रांसफार्मर के हर एक पार्ट पुर्जा को रखे गए रहते हैं। इस टैंक में मेनली तीन चीजें होती हैं, एक होता है कोर और उसके बाहर की गई रहती है वाइंडिंग और उसमें भरा होता है नेफ्था ऑयल यानी तेल। अब इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है। देखिए जो कोर होता है, कोर का मतलब मध्य भाग एकदम बीच का, ये कोर। कोर जो होता है वो नर्म लोहा का अमूमन बनाया जाता है और ये कोर होता है उसको मोटा करने किया जाता है, लेकिन एक ही लोहा लेकर मोटा नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये जिस पर मेरा मार्कर चल रहा है यही है आपका कोर, लेकिन एक खड़ा लोहा नहीं लेते हैं, इतना बड़ा खड़ा सा खड़ा लोहा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उस कोर को मोटा करने के लिए पतला पतला पत्ती लिया जाता होगा। बचपन में आप ट्रांसफार्मर को खोल के इससे बहुत खेले होंगे, आप देखे होंगे इससे पत्तियों को लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसके लिए इसमें ईडी करंट ना उत्पन्न हो, इस तरह की कई चीजें इसमें मायने रखती है, वो अभी हम बताएंगे आपको लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर में। तो ऐसे ऐसे ब्लेड को जोड़ के आपस में आप देखे होंगे एक मोटा सा कोर तैयार कर लिया जाता है। अब ट्रांसफार्मर में अगर जहां कहीं भी खाली जगह होगा वहां एक एक्स्ट्रा करंट उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं ईडी करंट। उस ईडी करंट को बचने के लिए, इसमें खाली जगह ना देने के लिए, इसके ऊपर बार्निश का लेप लगा दिया जाता है। आप देखेंगे एक लेप लगा दिया जाता है, वह लेप इस पर उत्पन्न होने वाली एक्स्ट्रा करंट यानी ईडी करंट को कम करता है और इसी लेप को लगाकर इसे आपस में जोड़ के इस कोर को मोटा कर लिया जाता है। और इस प्रकार इस कोर को मोटा कर लिया गया। अब ये कोर एक बड़ा सा शक्ल ले लिया, लेकिन वो कई सारे पत्ती यानी ब्लेडों से मिलकर बना हुआ है। तो ये हो गया आपका कोर। अब इस कोर के ऊपर कॉपर यानी तांबे के तार से वाइंडिंग की जाएगी, वाइंडिंग मतलब उसमें लपेटा जाएगा, और ये वाइंडिंग दो परत की होती है। अब दो परत की वाइंडिंग देखिएगा ध्यान से, ये बाहर वाली वाइंडिंग हो गई, एक अंदर वाली वाइंडिंग हो गई, यानी दो परत लगा रहता है। उस दो परत के बीच में आपका देखेंगे एक इंसुलेटर का लेप लगाया जाता है, कागज टाइप का होता है, उसे लगा दिया जाता है। वो जो होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग यानी एक परत को सेकेंडरी वाइंडिंग यानी दूसरी परत के वाइंडिंग से अलग करता है। तो कहेगा क्या दोनों वाइंडिंग आपस में ज्वाइंट होते हैं? नहीं, वाइंडिंग कहाँ किया जाता है? तो कोर के ऊपर किया जाता है। कोर किसका बना होता है? तो नर्म लोहा का। क्या एक ही टुकड़ा होता है? नहीं, छोटे छोटे ब्लेडों से बनाया जाता है। हालांकि नर्म लोहा से ज़्यादा अच्छा होता है सिलिकॉन स्टील, ये अभी हम बताएंगे जब आपको हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ाएंगे जब लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर में तब। अब इस कोर के ऊपर ये जो वाइंडिंग लपेटी गई है इसको उठा के इस टैंक में भर दिया जाता है। अब इस टैंक में भरेंगे और ट्रांसफार्मर को चालू करेंगे, और ट्रांसफार्मर जब फुल लोड पे होगा तो इसे सूरा गर्म हो जाएगा। और इसमें देखिए खाली जगह से तो हमको बचना है, खाली जगह से बचने के लिए हम इस पर बार्निश लगाए थे, और आप इसको उठा कर इस पूरे कोर के ऊपर वाइंडिंग है उसको पूरा उठा के इस टैंक में डालेंगे तो खाली जगह तो बहुत हो जाएगा, और खाली जगह छोड़ना नहीं है वरना ईडी करंट हो जाएगा, और ईडी करंट खुद ओरिजिनल करंट का विरोध करती है। तो ईडी करंट को हटाना है तो जगह को खाली नहीं छोड़ना है, जगह खाली ना छूट जाए, इसलिए जो मेन टैंक होता है इसमें तेल भर दिया जाता है। ये बहुत ही गाढ़ा मिनरल ऑयल होता है जिसे हम नेफ्था तेल कहते हैं, ये तेल मेन टैंक में भरा जाता है इसलिए ताकि इसमें खाली जगह ना बच जाए, जो कोर था उसके बगल में जो वाइंडिंग की गई थी उसके बीच में खाली जगह नहीं भरना चाहिए। ये जो तेल होता है ये डायरेक्ट आप मेन टैंक में नहीं भर सकते हैं। अब देखिए जब ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होने लगता है ना तो इसमें हम लोग डबल टैंक का यूज़ करते हैं। देखिए ये जो हो गया ये तो मेन टैंक हो गया, इस मेन टैंक के ऊपर एक छोटा सा टैंक लगाया जाता है, ये दोनों टैंक आपस में जुड़े रहते हैं। इस छोटे से टैंक को कंजर्वेटर टैंक या एक्सपेंशन टैंक कहते हैं। यह बहुत ही ज़रूरी है ट्रांसफार्मर में, ये नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाएगा। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा देर तक चलता है या फिर ओवरलोड हो जाता है तो इसके अंदर हीट उत्पन्न होता लगता है उसमें, और इस वजह से ये तेल खोलने लगता है। अब आप बताइए दूध खोलेगा तो ऊपर उठेगा कि नहीं? अब आप बताइए ये मेन टैंक जो है, इस मेन टैंक को तो लोहे से वेल्डिंग करके पूरा बंद कर दिया गया है, और खोल के ऊपर उठेगा तो फाड़ देगा मेन टैंक को, ब्लास्ट कर जाएगा ट्रांसफार्मर पूरा।
तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना करे, इसलिए इसमें एक छोटा सा ऊपर और टैंक जोड़ दिया जाता है और उसे मेन टैंक से सप्लाई जोड़ दी जाती है। और इस जो ऊपर वाला जो एक्सपेंशन टैंक है, इस टैंक को हमेशा आधा भरा जाता है, पूरा नहीं भरा जाता है। अब आधा क्यों भरा जाता है समझिए, इसीलिए आधा खाली जगह छोड़ दिया जाता है कि ओवरलोड होने पे जब तेल गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, तो इसे ऊपर उठने के लिए जगह रहना चाहिए ना, तो जगह बनाने के लिए आधा भरा जाता है। तो आप कहेंगे कि पूरे काहे नहीं छोड़ दिया ससुरा, खाली काहे नहीं छोड़ दिया। तो देखिए, कभी कभी जब तेल की कमी होने लगती है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर 6-7 महीने से मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो उसका कुछ तेल उड़ जाता है। अब तेल उड़ जाएगा तो इसमें तो तेल का लेवल नीचे आ जाएगा, और तेल का लेवल नीचे आया तो खाली जगह हो जाएगा, खाली जगह में ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर उस खाली जगह को कौन भरेगा? तो ये एक्सपेंशन टैंक में जो एक्स्ट्रा तेल भरा है वो जाके उसमें चला जाएगा और खाली जगह होने नहीं देगा, वरना ईडी करंट आएगी तो ट्रांसफार्मर फुल कैपेसिटी से वर्क नहीं कर पाएगा। अब समझिए, जब ट्रांसफार्मर का तेल गर्म हुआ था तो एक्सपेंशन टैंक में गया था, तो एक्सपेंशन टैंक की हवा बाहर चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब वो नीचे जाएगा, जब ट्रांसफार्मर बंद होगा या लोड कम होगा तो नीचे जाएगा, तो तेल तो नीचे आ जाएगा। जब तेल नीचे आएगा तो इसमें वापस हवा भरने लगेगी, हवा जब भरेगा तो दिक्कत शुरू। हवा के अंदर नमी होती है, हम जब सांस छोड़ते हैं ना तो हमारे फेफड़ा से कुछ नमी पानी निकलता है, जो ठंड के दिन में भाप की तरह दिखने लगता है, गर्मी में नहीं दिखता लेकिन निकलता जरूर है। वो ससुरा पनिया इसमें घुस जाएगा तो दिक्कत कर देगा, पानी नहीं घुसना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक ब्लू कलर का देखेंगे ब्रीदर लगा दिया जाता है। अब ये ब्रीदर क्या करता है? ब्रीदर को हमेशा एक्सपेंशन टैंक के ऊपर लगाया जाता है, इस तरह से एक्सपेंशन टैंक के ऊपर लगाया जाता है। ब्रीदर का कलर अमूमन ब्लू कलर का होता है। ये जो ब्रीदर है, यहाँ पर ब्रीदर को बड़ा कर दिए हैं, इसी ब्रीदर को यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसके अंदर भरा होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होता है, आप देखे होंगे, आप लैपटॉप खरीदने जाइए या कुछ भी खरीदने जाइए, उसके अंदर एक तो इस तरह सा पैकेट मिलेगा आपको जिसके अंदर भरा होता है सिलिका जेल। ये क्या करता है, ये हवा में जो भी नमी है ना उसको सोख लेता है। अब मान लीजिए आपका लैपटॉप का बैग है, उसमें एक तो इसको डाल दिए, बैग में जितनी भी हवा जाएगी, हवा तो रुकती नहीं एक जगह, घूमते रहेगा, जितना घूमेगा जैसे जैसे टकराएगा उससे सोख लेगा, जहां टकराएगा सोख लेगा, जहां से सोखेगा वहां की हवा हल्की हो जाएगी तो भारी वाला उधर जाएगा, कहेगा कहां गया कहां गया, ओकरो सोख लेगा पूरा। तो इसीलिए ये बैग वगैरह में डाल दिया जाता है। कई तो समझता है सब ही लैपटॉप का पार्ट है, इसको बहुत दिन तक संभाल के रखे रहता है सब। तो देखिए, यही होता है सिलिका जेल। तो इसको सिलिका जेल इसमें भर दिया जाता है। अब जब इसमें आप सिलिका जेल भर दिए हैं और जब इसका तेल नीचे जाएगा तो हवा इसमें भरेगी, हवा भरेगी तो किसको पार करके जाएगी, सिलिका जेल को पार करके जाएगी। और सिलिका जेल क्या करेगा, उसके अंदर की नमी सोख लेगा। लेकिन एक खराबी सिलिका जेल की, सिलिका जेल जो होता है ना वो धूल कण को नहीं सोख पाता है, और ट्रांसफार्मर हमेशा सड़कें पर लगा दिए, धूल धक्कड़ उड़ने लगता है। अब इन धूल को सोखने के लिए क्या किया जाता है कि इस ब्रीदर के नीचे एक और एक्स्ट्रा सा कटोरी टाइप का बना दिया जाता है जिसमें हम लोग तेल भर देते हैं, ऑयल भर देते हैं। ये ऑयल क्या करता है, धूल को चिपका लेता है, और ऊपर का सिलिका जेल किसको चिपका लेगा, नमी को, यानी जो मॉइस्चर है ह्यूमिडिटी उसको चिपका लेगा, और केवल प्योर हवा अंदर जाएगी और बाकी नमी बाहर रह जाएगी। पूछेगा कि आपका ये जो ब्रीदर होता है ये कहाँ लगाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा ब्रीदर मेन टैंक में नहीं लगेगा, और ये कहाँ लगेगा, एक्सपेंशन या कंजर्वेटिव टैंक के बाहर लगा रहता है। कंजर्वेटिव टैंक हमेशा आधा भरा होना चाहिए। ब्रीदर में कितने चीज का यूज करते हैं, तो दो चीज का, एक सिलिका जेल, और सिलिका जेल के नीचे में देखिएगा ऑयल लगा होता है। ये ऑयल ये क्या करता है, धूल कण को रोकता है और सिलिका जेल नमी को रोकेगा। अब ये ट्रांसफार्मर है, ये मेन टैंक है, ये एक्सपेंशन टैंक है, आइए ब्रीदर है। अब आप कहेंगे इस मेन टैंकों में तेल किधर से भरा जाता है, तो तेल इस एक्सपेंशन टैंक के ऊपर खाली जगह होता है, इसी में से तेल भरा जाता है और ये मेन टैंक में जाता है। कभी टैंक को खाली करना पड़े तो क्या इसे ट्रांसफार्मर वाला उलट के खाली करिएगा, भारी होता है, तो नीचे से एक वाल्व दिया रहता है, उसको खोलिएगा ना ढक्कन को, तो सब तेल बाहर फेंक देता है। अब समझिए, ये ट्रांसफार्मर को हम चालू कर दिए, मान लिया कि ट्रांसफार्मर में हीट ज़्यादा हो गया, ओवर हीटिंग हो गई, भड़कने वाला है, तो जरूरी ये है ना कि एक तो MCB की तरह इसमें भी लगा रहे, बंद कर दे ट्रांसफार्मर वा को, ज़्यादा हीट होना तो ढाई से बंद कर दे। अब इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए लगाया गया बुकुज रिले। ये एक मशीन है बुकुज रिले। बुकुज रिले में जो स्विच होता है ना उसको दाबना नहीं पड़ता है। ये एक ऐसा मशीन होता है ट्रांसफार्मर में जिसको इलेक्ट्रिक से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर एक स्विच होता है और वो स्विच के को दबाने की क्षमता पारा में भर दिया जाता है। नीचवा पारा रख दिया जाता है, स्विचवा ऊपर, जहां ज्यादा गर्मी होगा पारा जो होता है मरकरी गर्म होकर ऊपर के स्विचवा को दाब देगा, और जैसे दाबेंगे ट्रांसफार्मर की सप्लाई कट जाएगी। तो बुकुज रिले जो होता है ना ट्रांसफार्मर में अलार्म बजा देता है, और ज्यादा हीट हो गया
तब वो क्या कर देता है, ट्रांसफार्मर की सप्लाई को काट देता है। अब कहेगा ये बुकुज रिले में कैसे स्विच का प्रयोग होता है, तो बुकुज रिले में मरकरी यानी पारा स्विच का प्रयोग होता है। दूसरा, बुकुज रिले को कहाँ लगाया जाता है, तो याद रखिएगा बुकुज रिले को हमेशा जो एक्सपेंशन टैंक है और जो मेन टैंक है इनके बीच में लगाया जाता है बुकुज रिले को, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए मेन टैंक है और ये आपका एक्सपेंशन टैंक या कंजर्वेटर टैंक है, तो उसके बीच में हम लगाते हैं बुकुज रिले, इसमें पारा यानी मरकरी स्विच का प्रयोग होता है। अतः बुकुज रिले सेफ्टी के लिए है। देखिए भैंस को हम लोग बांधते हैं खूंटा में सेफ्टी के लिए कि भैंस भागे नहीं, कभी कभी ससुरा खूंटवे उखड़ जाता है, अब क्या करिएगा, यही होता है। हम तो सेफ्टी के लिए लगाए थे बुकुज रिले, कभी ससुरा बुकुज रिले जो है खराब हो जाता है, अब तो इसको भड़कने से कोई नहीं रोक सकता है और पब्लिक की जान चली जाएगी, भड़क जाएगा बीच बाजार में ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए एक सेकेंड चीज को लगाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लोजन वाल्व या एक्सप्लोजन वेंट। ये एक लंबा पाइप की तरह होता है, आप यहाँ इमेज में देखिएगा एक लंबा पाइप की तरह इसे निकला हुआ है। ये क्या किया जाता है, जब ट्रांसफार्मर में बहुत हीट होने लगता है और तेल पूरा खोल जाता है, इसका तेल खोल के भाग गया रहता है एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन टैंक में, अब एक्सपेंशन टैंक में भी जगह नहीं है, वो भी ससुरा फटने वाला है, तो इसको क्या करते हैं ई पाइपवा में, तो कुछ तेल इस पाइप में भाग जाएगा और इसका जो मुंह होता है इसको कमजोर धातु का बनाते हैं कि ये फट जाए और तेल इधर से निकल जाए ताकि दुर्घटना ना हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन वाल्व या एक्सप्लोजन वेंट। आजकल के नए ट्रांसफार्मर में इतना बड़का धोधड़ नहीं दे रहा है, छोटा सा वाल्व दे दे रहा है, जैसे कुकर का सीटी होता है, ज़्यादा हीट होगा ना तो उधर से फेंक देगा फिर बंद हो जाएगा, तो वो वाल्व आजकल के नए मॉडल में आ गया है। तो ट्रांसफार्मर में सेफ्टी के लिए बुकुज रिले और लास्ट सेफ्टी के लिए क्या होता है, एक्सप्लोजन वेंट या एक्सप्लोजन वाल्व। देखिए किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो फैलेगा, दूध को गर्म करते हैं तो फैलता है, तो दो रास्ते हैं, या तो फैलने के लिए जगह दे दीजिए नहीं तो फूंक फूंक के उसको नीचे दबाइए, आदमी फूंकते लगता है ना, वही हाल होता है। देखिए ये जो एक्सपेंशन टैंक है ये तो फैलने का जगह देता है, लेकिन कितना अच्छा रहता है कि तेलवा को आदमी फूंकता है उसी में बैठ के, ट्रांसफार्मर बैठ के फूंको, इतना फुर्सत है किसी को, फूकेगा मार देगा करंट ऊपर फूका जाएंगे वो। तो इसके लिए बना दिया जाता है हम लोग कूलिंग ट्यूब या फिर रेडिएटर। ये क्या होते हैं, आप ट्रांसफार्मर में देखिए ये जो साइड साइड में ये निकला हुआ है ना इतना बड़ा सा, ये इतना बड़ा सा जाली टाइप का जो निकला है ये वाला हिस्सा, ये होता है आपका रेडिएटर, यही ठंडा करता है, इसको हम लोग कूलिंग ट्यूब कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ में फैन भी लगे रहते हैं, बाद में बताएंगे। ये कूलिंग ट्यूब क्या होते हैं सर, देखिए ये ना होता है छोटे छोटे नली के होते हैं सर, ये छोटे छोटे ट्यूब जो होते हैं सर बहुत ज़्यादा होते हैं सर, बहुत ज़्यादा संख्या में छोटे छोटे ट्यूब को आपस में जोड़ दिया जाता है और इसका सब कनेक्शन ऊपर से दिया जाता है। देखिए इस मेन टैंक का जो ऑयल होता है गर्म होता है तो गर्म होकर इसमें जाने लगता है, और जब इसमें जाता है तो इस छोटे छोटे टैंक से छोटे छोटे ट्यूब से नीचे गिरने लगता है, और ये धीरे धीरे नीचे गिरता है और एकदम छोटे छोटे ट्यूब से नीचे गिरता है। और ये जो ट्यूब होते हैं ये तो जालीनुमा होते हैं, और बाहर जब हवा लगती है तो उसको ठंडा कर देती है। जैसे थाली में खिचड़ी ले लीजिएगा एक के जगह ठंडा नहीं होगा, तो तनी सा खिचड़िया को साइड में करके फैला दीजिएगा तो ठंडा हो जाएगा, यही काम करता है ये कूलिंग ट्यूब। इधर से गर्म तेलवा को लेके ऊपर से, और जो ट्यूब होते हैं बड़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं उस ट्यूब में थोड़ा थोड़ा मात्रा में तेल को गिराता है ताकि तेल का जो एरिया हो कम हो और हवा इस पर मारे तो वो ठंडा हो सके। ठंडा करने वाली मशीन को हम रेडिएटर कहते हैं। तो अतः ये जो ट्यूब है ये रेडिएटर का काम किया, जब ये इधर से गिरेगा तो गिरने के दौरान ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद फिर अंदर घुस जाएगा, और अंदर जाने के बाद फिर गर्म होगा तो फिर आएगा, इस साइड भी है इस साइड भी है, तो ये जो होता है गर्म होकर ऊपर आता है और फिर इस साइड जाते हैं और रेडिएटर और कूलिंग ट्यूब से ठंडा होकर नीचे आते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं, ये प्रोसेस चलते रहता है। इसमें और अच्छा रहता कि यहाँ पर आदमी एक पंखा लगा देता। तो बहुत हैवी पावर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं या जो मेन सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं जिनका लोड ज़्यादा होता है उस पर देखिएगा पंखा लगा देता है। तो ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर पर पंखा नहीं लगाता है जो बाजार में टांग देता है, धोधड़ एकदम ट्रांसफार्मर रहेगा ना एकदम मेन स्टेशन का, तो उस पर लगा देता है आपका फैन, तो ये फैन और ठंडा करने के काम में आ जाता है उसे। तो ये आप कूलिंग प्रोसेस समझ गए ट्रांसफार्मर का। अब समझते हैं ट्रांसफार्मर से हमको सप्लाई कैसे मिलती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में बहुत हाई वोल्टेज आया रहता है, जब भी आपको दूर तक करंट भेजना है तो आप हाई वोल्टेज पे ही भेज सकते हैं, तो बिजली घर उतना दूर है तो हाई वोल्टेज पे आता है, और वही हाई वोल्टेज घर में डाल दीजिएगा ना तो भड़का देगा सबको, इसलिए हमको चाहिए टर्मिनल।
टर्मिनल का मतलब होता है जो चारों ओर बांट सके। तो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को हम लोग बुश या बुशिंग कहते हैं। ये जो बुशिंग होती है ट्रांसफार्मर की, ये दो तरह की होती है, एक जो उसमें मेन सप्लाई आती है हाई वोल्टेज वाली, और उससे जो हमारे घरों में जाती है लो वोल्टेज की, तो उसे लो वोल्टेज। तो जो बुशिंग यानी टर्मिनल है, ये जो देख रहे हैं आप टर्मिनल, इसमें आप देखिएगा तो चार चार की जोड़ी में टर्मिनल मिलेंगे, लेकिन इसमें भी देखिएगा तो दो ठो मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ ध्यान से, लो वोल्टेज के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं हाई बुशिंग वाला, तो वो हाई बुशिंग में क्या होता है, हाई वोल्टेज रहता है, जो छोटा साइज का रहता है उसमें क्या कहते हैं, लो वोल्टेज कहते हैं। एल वी बुशिंग लो वोल्टेज के लिए, एच वी बुशिंग हाई वोल्टेज के लिए। तो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को हम टर्मिनल ना करके बुशिंग कहते हैं। देखिए अब ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होते हैं, आपको भी पता है कि दुनिया का कोई भी चीज़ 100% इफ़िशियंट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में जितना भी वोल्टेज होता है या जो एनर्जी होती है, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। तो इसी लॉसेस को हम ट्रांसफार्मर के लॉस कहते हैं। तो समझते हैं हम इस लॉसेस के बारे में। तो सबसे पहला जो लॉस होता है वो आयरन लॉस होता है, जिसे हम लोग कोर लॉस भी कहते हैं, हिंदी में इसे लोहा हानि कहते हैं। आपको बता दिए ट्रांसफार्मर का ये जो कोर होता है, ये नरम लोहा का होता है, तो इस कोर में ही कुछ हानियाँ हो जाती हैं, कुछ लॉस हो जाता है, उस लॉस को हम लोहा हानि कहते हैं। चूँकि कोर लोहा का बना होता है, इसलिए कोर हानि या लोहा हानि कहते हैं। ये एक लोहा हानि दो प्रकार का होता है, या तो आपका ईडी करंट लॉस होगा या तो आपका हिस्टेसिस लॉस होगा। तो पहले समझते हैं ईडी करंट का लॉस क्या होता है। ट्रांसफार्मर के कोर में अगर थोड़ा भी जगह होगा तो उसमें एक भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। भंवर धारा का मतलब है एक्स्ट्रा करंट जो विपरीत दिशा में चलने लगती है, जिस वजह से इफिशियंसी घट जाती है। तो ऐसे धारा को हम भंवर धारा कहते हैं। इससे बचने के लिए हम कोर को एक मोटा लोहा ना बनाकर छोटे छोटे ब्लेड में जोड़कर बनते हैं, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बार्निश की परत लगा देते हैं ताकि खाली जगह ना हो। तो ईडी करंट से बचने का तो ये उपाय हो गया, फिर भी कुछ बहुत ईडी करंट हो ही जाता है। अब बात करते हैं हिस्टेसिस लॉस क्या होता है। आपको पता है कि जब कभी भी किसी धातु में, मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक में, आप करंट सप्लाई करते हैं तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, और करंट सप्लाई रोकते हैं तो चुंबक का गुण चला जाता है। अब चूंकि ट्रांसफार्मर एसी करंट पर काम करता है, तो इसमें बार बार इसकी दिशा बदलती रहती है, एक बार फेज होता है, इसे दिशा बदलती रहती है एसी करंट की। तो एक बार ये मैग्नेटिक होगा और एक बार मैग्नेटिक नहीं होगा। तो होता क्या है, जो आपका कोर होता है ये एक बार मैग्नेटिक होता है एक बार नहीं होता है, तो इसके बीच जो गैप हो जाता है, इस कारण एक बार इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर हो जाती है एक बार इधर हो जाती है, तो इसी कारण एक ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, जिसे हम हिस्टेसिस लॉस कहते हैं। ये दोनों ही लॉस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कोर में मिलेंगे, और कोर ज़्यादातर नरम लोहा का बनाया जाता है, इसीलिए इसे लोहा हानि या कोर हानि कहते हैं। अब आप तो पता चल गया आपको कि जो ईडी करंट था उसको तो हम बार्निश द्वारा रोक सकते थे, अब इस हिस्टेसिस लॉस को रोकेंगे कैसे। तो इसको रोकने के लिए हम एक ऐसे धातु का प्रयोग करते हैं जो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर ज्यादा इफेक्ट न पड़े और उसमें ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न न हो, ताकि हिस्टेसिस लॉस को रोक सके। इसीलिए इसके जगह पर हम यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील का। कहेगा सबसे अच्छा ट्रांसफार्मर का कोर किसका होता है, तो नरम लोहा मत बोलिएगा, तब आप कहिएगा सिलिकॉन स्टील, क्योंकि सिलिकॉन स्टील किस लॉस को रोक देता है, हिस्टेसिस लॉस को रोक देता है, और बार्निश पत्ती किसको रोक लेता है, ईडी करंट लॉस को रोक लेता है। अब बात करते हैं ओमिक लॉस। आपको पता है ओम का नियम किससे संबंधित है, प्रतिरोध से। तो किसी भी चीज के अंदर, दुनिया का कोई भी मेटल है, धातु है, उसके अंदर धारा को रोकने वाला एक प्रतिरोध गुण है, वो धारा को रोकेगा, भले थोड़ा सा रोके, कुछ ना कुछ तो लॉस करेगा ना जी। तो इस लॉस को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध लॉस, या इसी को हम कहते हैं कॉपर लॉस। अब कॉपर क्यों कहते हैं, कि कोई भी तार आप बनाइएगा उस कॉपर का ही जनरली बनाया जाता है, हालांकि सबसे अच्छा चालक तो चांदी का होता है किंतु वो महंगा होता है, तो हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तो ओमिक लॉस को ही हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। इससे भी धारा क्या होती है, लॉस हो जाती है। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा क्लासरूम है, जैसे मेरा क्लासरूम बहुत बड़ा है, अगर हम उस क्लासरूम को ऑफ कर दें, हर एक पंखा स्विच को ऑफ कर दें, तो क्या मेरा बिजली बिल आएगा, तब भी आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो मीटर से क्लासरूम में जो तार गया है, उन सारे तार के अंदर करंट गया है, और हर एक करंट बल्ब पंखा एसी कूलर फ्रिज हर जगह गया है, मान लीजिए जहाँ जहाँ जो भी इक्विपमेंट है वहाँ वहाँ गया है। हम करंट काट दिए हैं तो बस ऑन नहीं हुआ है, लेकिन धारा तो गई है, और उस धारा को हमारे क्लासरूम में जितना तार सप्लाई है, वो तार क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, प्रतिरोध लगा रहा है। तो इस वजह से एक लॉस होगी, जिसे हम ओमिक लॉस या तांबा हानि या कॉपर लॉस कहेंगे, और इसी लॉस का बदला
बिल के रूप में, बिजली बिल के रूप में बिजली कंपनी हमसे लेगी। तो इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि बिजली बिल पूरा ना लगे, बहुत ज़्यादा बच जाए, तो जहां आपका मीटर शुरू हो रहा है वहीं पे कटआउट एमसीबी लगाया जाता है 4 पोल का, इसको गिरा दीजिए, तो बिजली आपके क्लासरूम तक पहुंचेगा ही नहीं, वरना पहुंच जाएगा तो कॉपर लॉस होगा, आपका बिजली बिल आएगा। इसलिए 4 पोल के एमसीबी से आपको डायरेक्ट कटआउट गिराना पड़ता है। अब अगला लॉस समझते हैं, स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस क्या होता है? देखिए, लीकेज ऑफ फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबक का झटका, तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसी से बिजली उत्पन्न होती है सब, तो चुंबकीय फ्लक्स भी कुछ लॉस हो जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स लॉस ना हो इसलिए जो वाइंडिंग की जाती है कॉपर की, वो एक परत के ठीक दूसरे परत उसके ऊपर रख दिया जाता है, बीच में एक पेपर लगाकर, तो फ्लक्स के गैप हो जाने से, लीकेज हो जाने से उस लॉस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रे लॉस। तो ये लॉस समझ गए, ये बहुत ही कम होता है, ये तभी होगा जब ट्रांसफार्मर बहुत हैवी पावर का रहेगा, तभी स्ट्रे लॉस होता है। अब अगला जो लॉस होता है वो डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है। डाई इलेक्ट्रिक लॉस क्यों होता है? तो देखिए, ये मजबूरी में डाई इलेक्ट्रिक लॉस हो जाता है। हमको जगह जगह इंसुलेटर लगाना, यहाँ बार्निश का इंसुलेटर लगाना है ताकि ईडी करंट ना उत्पन्न हो, और यहाँ दोनों बाइंडिंग्स के ऊपर एक पेपर लगाना है। तो ये पेपर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये धारा में रुकावट उत्पन्न करेगा, तो ये जो इंसुलेटर लगा होता है, तो इंसुलेटर के कारण, ड्यू टू इंसुलेटर जो लॉस होती है उसे हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉस। तो ये आपके मेन लॉसेज हो गए आपके ट्रांसफार्मर के अंदर। अब एक अलग से लॉस आता है जिसको जनरली नहीं है पड़ता है कोई, जिसे बोलते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन लॉस। ये मैग्नेटो स्ट्रिक्शन लॉस क्या है? ये नॉर्मल लॉस है। आप ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा ना तो आपको एक घनघनाहट की आवाज सुनाई देगा, घन घन। इन्वर्टर चलेगा या कोई भी ट्रांसफार्मर देखिएगा ना, चलेगा ना तो उसमें एक आवाज सुनाई देगी। वो फैन की आवाज नहीं रहती है, देखिएगा, फैन नहीं भी रहेगा ट्रांसफार्मर में, जो सड़क के किनारे ट्रांसफार्मर लगाया जाता है उसमें जनरली फैन नहीं होते हैं, तो भी आपको घन घन एक आवाज सुनाई देगी। ये आवाज कोई उत्पन्न करने के लिए भी कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा ट्रांसफार्मर बिजली से ही लेके दे देता है, तो एक साउंड उत्पन्न होता है। तो इस साउंड के उत्पन्न होने से एक लॉस होता है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन लॉस। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर टोटल लॉस हो गए। आई होप आप ट्रांसफार्मर समझ गए होंगे। ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कि प्रथम कुंडली में कितना होता है, द्वितीय कुंडली में कितना होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या अंतर होता है, ये सब समझा देंगे। आप एमसीबी की को भी समझा देंगे। ये एमसीबी भी आप देखेंगे तो 4 टाइप के मिलेगा आपको, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, 4 पोल, इसके भी कई कैटेगरी हो जाते हैं। आप ट्रांसमिशन लाइन देखिएगा, हाई वोल्टेज के करंट को हम लोग इस टावर के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन से भेजते हैं। इसके अंदर एक कोरोना इफेक्ट उत्पन्न होता है। अभी जो बीमारी चल रही है ना, इसमें पहले से है वो बीमारी। कोरोना इफेक्ट क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन का, और ये जो इंसुलेटर होते हैं क्यों लगाए जाते हैं। अब इंसुलेटर की संख्या गिनेंगे तो देखिए, इसमें ज्यादा डिस्क मतलब चक्री, इसमें ज्यादा दिख रहा है, इसमें डिस्क की संख्या ज्यादा है, इसमें डिस्क की संख्या कम है। तो हम क्या डिस्क को गिन के बता सकते हैं कि इस तार में कितना वोल्टेज है? हाँ, एकदम आराम से बता सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।